Lampang Deng Island, Orchid Lake Resort, Nehru Park और Umiam Water Complex. तो हम लोग आज यहाँ यहाँ जाने वाले हैं घूमने के लिए और डेट है आज 11 मार्च 2018. साढ़े तीन साल हो गया यहाँ शिलोंग में, अभी तक यहाँ नहीं आया हूँ. तो देखते हैं अंदर में जाके कैसे है क्या है. ओके, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो ऑफकोर्स आप लाइक कर सकते हैं, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए शिलोंग के ऊपर. ओके, और मेरे दूसरे प्लेलिस्ट भी जाके आप चेक कर सकते हो, शिलोंग के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका है. तो चलिए जाते हैं और देखते हैं. एक्चुअली अभी जो हम लोग नेहरू पार्क में आए हुए हैं तो काफ़ी सुबह आ चुके हैं, अराउंड 11 हो रहा है. तो कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं अगर आप सुबह आते हैं. तो एक टाइम चूज़ करके आइएगा, अराउंड 2 बजे आइएगा तो कुछ लोग मिलेंगे यहाँ. वैसे संडे भी है तो मैं उम्मीद किया था कुछ लोग होंगे यहाँ, बट नहीं है. बट पार्क काफ़ी अच्छा है, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप आराम से आके टाइम पास कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो. वैसे आज की दुनिया में किसके पास टाइम है, टाइम निकालना पड़ता है. तो इधर जब आओगे तो आपको 3-4 एक साथ देखने को मिल जाएगा, लाइक यूमियम लेक मिल जाएगा, नेहरू पार्क मिल जाएगा और दो कुछ थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, काफ़ी टफ नेम होते हैं, प्रोनाउंस भी ईजिली नहीं हो पाता है. देख लीजिए उधर पूरा एकदम मंकी सेल्फी हो रहा है उधर. ओके, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, लेकिन 4 आदमी होना पड़ेगा. सो 4 आदमी आएगा, नहीं 5 आदमी होना पड़ेगा, 4 आदमी बैठने के लिए और 1 आदमी घुमाने के लिए. तो फाइनली हम लोग नेहरू पार्क के एकदम लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा, ट्रस्ट मी, अपने आँखों पर आप भरोसा नहीं करोगे. लेकिन मैं अपने कैमरा में कैप्चर हो पाएगा कि नहीं, चलिए तो मैं आप दिखाता हूँ. तो देख लीजिए पीछे जो है काफ़ी बड़ा जो यहाँ का यूमियम लेक है, उमियम या यूमियम जो भी आप बोल सकते हो वो है. तो कैमरा में तो नहीं दिख रहा है, मैं सामने से जाता हूँ और आपको वो व्यू दिखाता हूँ. हमारा दोस्त ऋत्विक, उसको बहुत जोर से 2 नंबर आया था. 2 नंबर तो समझते हो ना आप लोग, ये वो भी डिटेल में बताना पड़ेगा. तो देखते हैं वो कहाँ गया है. मुझे तो बोल रहा था कि वो आसपास जंगल में ही कर लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद तो नहीं है. अब देखते हैं कहाँ गया. ये सही, ये सही. एक टॉयलेट तो है, शायद उसी में गया होगा. वो हमारा अंदाजा सही है, वो टॉयलेट ही क्या है. हुआ सुना आप लोगों ने. तो अभी हम लोग आए थे ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट में, तो मैंने सिर्फ आप लोग के लिए प्राइसेस वगैरह के बारे में कुछ पूछ लिया ताकि कभी आप आओ तो प्राइसेस वगैरह कितना है उसके बारे में. तो जो 2 बेड के लिए है, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो है अराउंड 3500. आपको 3500 रुपीज़ देना होगा अगर आप 2 आदमी हैं तो. अगर 3 आदमी हैं तो एक्स्ट्रा अराउंड 800 रुपीज़ ऐड करना होगा वही रूम में, तो हो गया अराउंड इतना भी आप जोड़ लीजिए 4300 रुपीज़ 3 आदमी के लिए. और अगर 5 आदमी हैं तो आपको 2 रूम लेना होगा. तो काफ़ी कॉस्टली है. हम लोग जो चेरापूंजी में गए थे वहाँ तो 1500 रुपये में 5 आदमी हो गए थे, तो ये कॉस्टली है. और इसमें हाँ एक चीज़ और है कि आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा, बस यही है. स्विमिंग पूल, स्टीम स्पा, पूल एरिया, स्पी बोट. देखते हो हमें 950 कल पूछ सकते फिर वीडियो में. गुड प्रॉब्लम. तो ये जो वाटर कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है,
वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसके अंदर जाते हो तो पर हेड 50 रुपीज लगेगा। तो हम लोग 5 आदमी हैं, हमने 5 टिकट ले लिया है और अंदर में बोटिंग है, कैफेटेरिया है और स्पीड बोट, क्रूज बोट, स्विमिंग पूल वगैरह। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ एंट्री कर रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कैसे प्राइसेस हैं, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। पुराण है तो मेरा जिंदगी तो पूरा बैचलर से बिता लिया था। हम मेरा पास ऐसा कुछ पुराण नहीं है जो तुम्हें बताओ। तो बोटिंग के बारे में मैंने पूछा और वैसे यहाँ पे लिखा भी है जो बोटिंग का प्राइसेस वगैरह है, तो जो मिनिमम है वो 400 रुपीज का है, जिसपे सिर्फ 3 आदमी जा सकता है और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। वैसे हम लोग 5 आदमी आए थे, तो 5 आदमी अगर जाना है तो मिनिमम 2 बोट को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे हैं, रिवर बस, क्रूजिंग बोट, पोंडर स्पीड बोट, तो 20, 10, 12 और 3 आदमी का कैपेसिटी के लिए है। तो अगर आप ग्रुप वगैरह में आए हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं बिकॉज शॉर्टेज ऑफ मनी के। तो वैसे मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया प्राइजेस वगैरह कितना है। ओके, आप यहाँ से बोटिंग कर सकते हो, इस प्लेस से देख लीजिए। हम बहुत सारे बोट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा रहे हैं, कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो जाऊँगा। ओके, लेकिन मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन देना था लाइक प्राइजेस वगैरह का, कहाँ से जाना है, वो सब दे दिया। और यहाँ से व्यू आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया व्यू है। जो रास्ता जो है वही देखते हैं, नीचे का व्यू यही है। और दिखाने के लिए यहाँ पे तो क्या है, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं है। हाँ, कैफेटेरिया वगैरह है, तो जाते हैं थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और आपसे मिलते हैं। जब हम लोग रास्ते में थे तो यहाँ पे एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर है, होटल है, रिजॉर्ट है, अभी तो मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी लाजवाब है यार, एकदम प्योर वुडन। मैं दिखाता हूँ कैसा है। ओके, लाइक मैं बहुत दूर से, मेरे दोस्त लोग नहीं आए इसको देखने के लिए, काफ़ी ऊपर है ये, मैं अकेले आया हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नज़ारा अगर कहीं मिलता है तो मैं तो कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे अकेले ही आना पड़े, नो मैटर। ओके, तो मैं स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए, यही घर का बात बोल रहा था, शायद कैमरा में इतना अच्छा मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये फुल्ली वुडन है, फुल्ली वुड, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा घर होना चाहिए। आजकल पत्थर के घर तो सब कोई बना लेता है, ईंटे का, ऐसा घर, वाह, देख के मज़ा आ गया यार मुझे तो। ऐसा घर ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो ऐसा ही बनवाऊँगा जिस दिन हुआ। इसको दिखाने के लिए मैं इतना दूर से आया, दिखाने क्या, मुझे देखना भी था, देख के अच्छा लगा। ऐसा नज़ारा हर जगह नहीं मिलता है, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ये ऐसा घर देखा। इससे पहले तो लाइक वो फोटोज़ में देखा था, जापान में घर ऐसा ही होता है, एकदम वुडन टाइप। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। तो अभी मैं कर रहा हूँ रोड ट्रिप। ओके, तो अभी शिलोंग से गुवाहाटी जो रास्ता जाता है, मैं उस रास्ते में हूँ, देख लीजिए ये रास्ता, आपको जाना पहचाना लगता होगा ये रास्ता, क्योंकि कितने बार आए होंगे, कितने बार गए होंगे इस रास्ते में, पीछे से डर भी लग रहा है, कोई आके ठोक मत दे। ओके, तो अपना यूमियम लेक, उमियम या यूमियम आई डोंट नो, जो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ से अभी पैदल जाएंगे उस जो तिनाली है ना, जो मेन NH, वहाँ तक जाएंगे, भूख लग गया है, कुछ खाएंगे वहाँ और वहाँ से फिर से टैक्सी और उसके बाद हॉस्टल। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको यूमियम पुलिस स्टेशन। यूमियम पुलिस स्टेशन है यस ये। तो कभी कभी ऐसे रास्तों पे अच्छा लगता है, ट्राई करिए अकेले अकेले, यस अकेले, ग्रुप के साथ जाओगे ना
तो आपको मन करेगा कहीं इधर जाने के लिए, तो वो लोग बोलेगा इधर जाओ, मजा नहीं आता यार। अकेले घूमो, अगर नहीं तो कुछ ऐसा बंदा ढूंढो जिसका थिंकिंग आपके जैसी हो, ठीक है। चलना है तो चलना है और कुछ नहीं, जाना है तो जाना है, बस ऐसा वाला उसके साथ जाइए, वरना नखरेबाज आदमी लोग के साथ मत जाइए। अरे उधर जाएंगे तो पैर दर्द करने लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता है यार। घूमने निकले हो ना, अच्छे से घूम के जाओ, बस यही। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी रोड पे जा रहे हो तो वैसे इंडिया में अगर हम लोग को रोड पे जाना है तो लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं, ओके लेफ्ट साइड। लेकिन मैं आपको एक सजेशन के हिसाब से एक जस्ट सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोई सुनसान रास्ते पे हो जहाँ मतलब गाड़ियों का नियंत्रण नहीं है, ओके तो प्रीफर करो आप राइट साइड में चलना। राइट साइड में क्यों चलना, क्योंकि उधर से जो गाड़ी आ रही है आपको दिखेंगी, लेकिन जो पीछे से गाड़ी आ रही है आप लेफ्ट पे हो तो काफी मुश्किल है यार, इसीलिए आप सामने से जो गाड़ी, आप राइट साइड में चलो। देखिए हम लोग अभी उस साइड चलना चाहिए लेकिन हम लोग उस साइड नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं इस साइड, तो प्रीफर करो आप राइट में चलना है, राइट साइड में, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है दिख रही है, लेकिन पीछे से गाड़ी जो आ रही है हम लोग को नहीं दिखेंगी। चालू चाय पी रहा हूँ, स्पेशल चाय जो था उसका दाम 10 रुपया था लेकिन पॉकेट में सिर्फ 5 रुपया था, तो चालू चाय मिला उतना में, ओके। प्लेन वाला